हम हारे नहीं हैं, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चलिए मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब जमील अख्तर साहब से कि दीपक निगम साहब हमारे बड़े भाई आदरणीय परम आदरणीय श्री दीपक निगम जी वो मंच पर आए और उनको गोलपोशी भी की जाएगी उनकी, वो आधा काम हुआ था और या बहरहाल किस्तों में होता है सारा काम, सब किस्तों में चलता है, ये भी किस्तों में। और इनके बाद में मैं ये चाहता हूं तालियां जोरदार तालियों से इस्तेमाल करिएगा, जबरदस्त, व्हाट अ क्लैपिंग। चलिए अब मैं गुजारिश करूंगा अपने छोटे भाई और अपने भतीजे दिलकश रिजवी साहब वो आए और हमारे हमारे छोटे भाई और जैतपुर के एक बहुत ही जानी मानी सामाजिक शख्सियत सोशल एक्टिविस्ट अली जनाब मोहतरम हीरो एजेंसी के मालिक मोहम्मद सालिम साहब की गुलपोशी फरमाए। अली जनाब मोहतरम दिलकश रिजवी साहब आ जाए, सालिम भाई साहब की गुलपोशी, जोरदार तालियां सभी के लिए, बहुत शानदार। घबराने का नहीं, टेंशन देने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। हाँ भाई, और अब मैं ये चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के बहुत ही हमारे छोटे भाई आदरणीय श्री दिनेश कुमार गुप्ता जी दुर्गा मेडिकल स्टोर्स के प्रोप्राइटर वो आए और मास्टर इसराइल कुरैशी साहब की गुलपोशी और शाल भेंट करके उनका इस्तकबाल करें। जनाब दिनेश कुमार गुप्ता जी बहुत ही खूबसूरत, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिएगा। इसके बाद अब सीधे सीधे मुशायरा आपके सामने, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं नहीं आऊंगा तो जोरदार तालियां कौन बजवाएगा, जोरदार तालियां। और अब मैं गुजारिश करूंगा अपने बहुत ही करीबी दोस्त के दिनेश कुमार गुप्ता जी आए और ताहिर सभासद जी गुलपोशी फरमाएं। दिनेश भाई गुप्ता जी की गुलपोशी, ताहिर सभासद साहब गुलपोशी और शाल उड़ा करके उनका इस्तकबाल करें। और साथ ही खुशी की बात यह भी है कि हमारे बीच में हाँ गुलपोशी करेंगे और शाल भेंट करें भाई जमील अख्तर साहब, साल भेंट करेंगे, जोरदार तालियों से तालियां बजाइएगा दिनेश कुमार गुप्ता जी के लिए, बहुत ही खूबसूरत आपका योगदान रहा हमारे इस कार्यक्रम में। आइए, और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में हम सबके बड़े भाई और बड़े ही धाकड़ शख्सियत हमारे बीच में तशरीफ ले आए हैं, हम उनका दिली खैर मकदम करते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि वो कुछ लम्हात के लिए डाइस पर आ जाएं और हमारे इस मुशायरे के जो रूहे रमा है जनाब शफीक कैप्टन साहब उनका भी इस्तकबाल फरमा दें। हमारे छोटे भाई और हमारे दोस्त हमारे मित्र और जैतपुर के धाकड़ शख्सियत जनाब सलमान रिजवी साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो इस मंच पर आ जाएं और हमारे साथी जनाब शफीक कैप्टन साहब वो उनका इस्तकबाल करें शाल उड़ा करके और गुलपोशी करके। उसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द मुशायरा आपके सामने होगा, आ जाइए, जोरदार तालियां बजाइएगा, टाइगर अभी जिंदा है आपके सामने है। और मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे शफीक भाई गुलपोशी फरमा कर उनकी जोरदार तालियां बजाइएगा, जोरदार तालियां सलमान भाई के लिए, जोरदार तालियां। और अब मैं ये चाहूंगा कि जमील अख्तर साहब जोरदार तालियां बजाइए, शाल भी उड़ाइए, ये हमारे आज के मेहमान हैं और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपने मेहमानों की इज्जत करना सीखें, बिल्कुल सीखें। खास तौर से मैं अपनी नौजवान नस्ल को यह दे रहा हूं कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन जब मेहमान आ जाता है तो उसकी इज्जत आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में आए। और अब मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे छोटे भाई जनाब और अब मैं गुजारिश करूंगा अपने छोटे भाई जनाब जमील अख्तर साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूं सेठ मोहम्मद आसिफ साहब आलम चौधरी साहब
आपकी वजह से मुशायरे में ताखीर हो रही है, आप बराए मेहरबानी हमारे डाइस पर तशरीफ ले आवें। हाजरीन, आज का ये मुशायरा जिसकी मीटिंग मेरे घर पे हुई दादा की मौजूदगी में 10-15 दिन अव्वल, जिन्होंने इस मुशायरे की सरपरस्ती की जिम्मेदारी ली और उन्होंने मुझे हौसला दिया कि बेटा आप करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जब अपने बड़ों का हौसला मिलता है तो वही हाजरीन कोई भी हो गैर परों पर उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अंपर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। हाजरीन अज़्ज़ाम, तो उड़ने का हौसला हमें अपने बड़ों से मिलता है। आज की इस खूबसूरत महफिल की सरपरस्ती फरमा रहे हैं मोहतरम अलहाज शौकत अली साहब। मैं इस वक्त चाहता हूं कि जोरदार उनका खैर मकदम हो, उनकी शालपोशी हो, उनकी गुलपेशी हो। आप शुरू से देख रहे हैं इब्तदाई हिस्से की निजामत बखूबी मास्टर आसिफ साहब फरमा रहे हैं और बड़ी ही इखलाक के साथ, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ इस मुशायरे की जो शुरुआती हिस्सा है बखूबी चला रहे हैं, जो हमारे अरकीन कमेटी के मेंबर भी हैं। तो मैं आसिफ सर से अल्तमास कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और शौकत अली साहब जो मुशायरे के सरपरस्त हैं उनकी गुलपोशी करके, उनका खैर मकदम करके उनका इस्तकबाल फरमाएं। और जब देखिए सरपरस्त मुशायरा ये हमारे बड़े हैं, अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारी बनती है, जब आसिफ सर गुलपेशी करेंगे तो एक एक शख्स तालियों की गूंज में इस्तकबाल करेगा। जोरदार तालियां बजाइए, सरपरस्त मुशायरा हाजी शौकत साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। जाहिर बात है हाजरीन, ये हाजी शौकत साहब हमारे बड़े हैं और बड़ा काम बड़े लोग करते हैं, और आसिफ साहब सर जो हमारे ही बहुत ही मोहतरम हैं, हमारे सीनियर हैं। हम लोग अपने बड़ों के कदमों में बैठकर अपनी तोतली जबान से उर्दू अदायगी की, उर्दू के तलफ़ुज़ की अदायगी दुरुस्त किया करते हैं। देखिए जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही है, मोहतरम आलम चौधरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जनाब सेठ मोहम्मद आसिफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनको इस मुशायरे का इफ्तिताह करना है। बस इंशाअल्लाह 5 मिनट में मुशायरे का रिबन कटेगा, फीता कटेगा, मुशायरे का इफ्तिताह होगा, उसके बाद फिर आपका शायर आपके हुजूर कर दिया जाएगा। ये हमारे मेहमानान इकराम हैं, सालिम नेता साहब जो मेहमान एजाजी हैं, दीपक नेता साहब मुख्य अतिथि हैं, दिनेश कुमार गुप्ता साहब मुख्य अतिथि हैं, जनाब दिलकश रिजवी साहब जेर क़यादत, मास्टर आसिफ साहब, ये तमाम सब हमारे अपने हैं, सब बड़े लोग हैं हाजरीन। क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं और जब अपने बड़ों का दस्ते शफकत मिलता है तभी हाजरीन आपकी नुमाइंदगी होती है। तो ये वैसे सेठ साहब भी तशरीफ ले आए हैं, मैं आलम चौधरी साहब से गुजारिश कर रहा हूं आप तशरीफ ले आए। और मैं चाहता हूं एक मरतबा जितने हमारे मेहमानान इकराम इस वक्त डाइस पर हैं, एक मरतबा सबके लिए आप हजरात जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाजरीन, मेरे बहुत अच्छे दोस्त राष्ट्रीय उर्दू सहारा के सहाफ़ी नजमुल हसन साहब जो आज के इस मुशायरे के ज़ेर निगरान हैं, मसरूफियत के तहत मैं उन्हें आवाज़ नहीं दे पाया मगर उनकी जिम्मेदारी थी कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ज़ेर निगरान हैं इस मुशायरे के। तो अगर मेरी आवाज़ नजमुल हसन साहब आप तक पहुँच रही है तो बराए मेहरबानी हमारे डाइस पर तशरीफ ले आए। और देखिए मुशायरे का इफ्तिताह मोहतरम जनाब सेठ मोहम्मद आसिफ साहब करने जा रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं मुशायरे का इफ्तिताह करें, जैसे ही रिबन कटे फीता कटे आपको जोरदार तालियां बजाना है। नजमुल हसन साहब आप जेरे निगरान हैं इस मुशायरे के, आप तशरीफ ले आए।
हेलो हेलो। अब मैं गुजारिश करूंगा इस मुशायरे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी ढोने वाले हमारे छोटे भाई जनाब जमील अख्तर साहब और हमारे शागिर्द ताहिर साहब, मैं दोनों ही लोगों से गुजारिश करूंगा कि दोनों लोग फटाफट खड़े हो जाएं और हमारे आने वाले जो मेहमान हैं जिन्होंने अभी आपके सामने जो रिबन या फीता काटकर हमारे इस मुशायरे की परमिशन दी है एक तरह से कि अब मुशायरा स्टार्ट किया जा सकता है, तो मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले दोनों ही लोग जाएं, ताहिर सभासद और जमील अख्तर साहब दोनों ही लोग आ जाएं और हमारे आज के मौजूद मेहमान आली जनाब मोहतरम, जिनमें हमारे भतीजे भी हैं, हमारे छोटे भी हैं, आलम चौधरी साहब और एक्सपोर्टर मोहम्मद आसिफ साहब, उनकी गुल पोशी और शाल पोशी करके दोनों ही लोगों का इस्तकबाल करें। हमारे वैस भाई आए हैं, उनके भी गुल पोशी और इस्तकबाल किया जाए। और हमारा भतीजा बहुत ही प्यारा, हमारी जरूरत पर काम आने वाला नूरुद्दीन, मैं गुजारिश करूंगा आप दोनों ही लोगों से, शफीक चचा आप इनको पहुंचाते रहिए और जल्द से जल्द, ताकि बगैर किसी, जोरदार तालियां आप लोगों के लिए बजाइएगा, जोरदार तालियां। आइए आलम चौधरी साहब, अरे अभी शाल बाकी है आसिफ भाई, अभी शाल बाकी है। हाँ बहुत बढ़िया, वेल, बहुत अच्छे, तालियां बजाइएगा जोरदार। आइए आलम चौधरी साहब, मैं शफीक भाई से गुजारिश करूंगा, चलिए चलिए ताहिर भाई आप ही कर दीजिए, और वैस भाई आप भी खड़े हो जाइए फटाफट, और नूरुद्दीन मेरे शागिर्द हैं, मैं ये चाहता हूं कि हमारे डाइस पर हैं, इनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। नूरुद्दीन भाई आ जाइए, और जमील अख्तर साहब इनकी भी गुल को पोशी और शाल पोशी करके इनका इस्तकबाल करिएगा। आइए वैस भाई, बहुत को वेल डन शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जोरदार तालियां। अब बिल्कुल ये समझ लीजिए आम बिल्कुल पक चुका है, थोड़ी सी भी हवा लगी मोहम्मद साकिब साहब जिनके जिम्मे काम है आज की शम्मा फरोजी के लिए, उन्हें इनवाइट किया गया है। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो बराए करम जल्द से जल्द आ जाएं ताकि अब मुशायरे में कोई देरी ना हो। मोहम्मद साकिब साहब जिनके जिम्मेदारी में आज की, हाँ मोहम्मद साकिब साहब अगर आवाज सुन रहे हैं तो माइक तक आ जाएं, जितनी जल्दी आ जाएं उतनी जल्दी मुशायरा शुरू, अगर आप लोगों के आसपास हो तो उनको पकड़ के ले आइए मोहम्मद साकिब साहब को। आलम देखो पीछे, तुम्हारे पीछे है, हाँ तुम देखो पीछे अपने, दिखे नहीं दिखे, चलिए देखिए माशाल्लाह भीड़ बहुत है। और अब मैं चाहता हूं बगैर किसी ताखीर के जमील अख्तर साहब, अब लोगों के सब्र का इम्तिहान न लिया जाए, लोगों के सब्र का अब इम्तिहान न लिया जाए, बाकी जो होगा वो बाद में कर लिया जाएगा इंशाल्लाह, है ना, आप लोगों की क्या मर्जी है, सही है। चलिए भाई जमील भाई आ जाइए, जब आएंगे तो वो काम हो जाएगा। कस्बा जैदपुर से एक हमारे भतीजे भी होते हैं रिश्तेदारी में, जनाब उमर अली साहब पत्रकार और कस्बा जैदपुर से चेयरमैनी के उम्मीदवार भी हैं, हमारे बीच में आए हैं। हम ये चाहते हैं कि मौलाना इरफान साहब मोहल्ला जीन महल, वो दोनों ही लोग इस डाइस पर आ जाएं और उनकी भी गुलपोशी और उनकी भी चादर पोशी हो जाए और उसके तुरंत बाद फिर आगे मुशायरा स्टार्ट हो जल्द से जल्द, क्योंकि हम लोगों ने तो कहा था कि 9 बजे अगर सब लोग आ जाएंगे तो ये बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेकिन खैर सबकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। मैं गुजारिश करूँगा उमर अली भतीजे से कि वो डाइस पर आ जाएं और मौलाना इरफान साहब जल्द से जल्द उनकी गुलपोशी और उनकी चादर पोशी करके उनको इज्जत और एहतराम से नवाज दें ताकि मुशायरा बगैर किसी ताइब के चलता रहे।
अबू जजाकल्ला अबू उमैर अंसारी साहब का इस्तकबाल हो रहा है। अबू उमैर अंसारी साहब जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिएगा, जोरदार तालियों से। अबू उमैर अंसारी साहब आज हमारे बीच मौजूद हैं इस डाइस पर, उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां। आइए अब हम अपने छोटे भाई जनाब जमील अख्तर साहब से फिर गुजारिश करेंगे कि अगली शायरा को पेश करने के लिए, अगले शायर को पेश करने के लिए वो जल्द से जल्द अपना अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं।